हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अंजलि एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ मेरी इयर रिंग कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। एंड ऑल्सो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी करने के लिए, पर मैं नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आप लोगों के साथ मेरी इयर रिंग कलेक्शन शेयर करूँ। एक ये सबसे पहले ये मेरी एक इयर रिंग है जो कि काफ़ी प्रिटी, अभी तक मैंने इसे एक बार भी पहना नहीं है, तो ये भी मुझे बहुत प्यारी लगती है। आई थिंक इस आउटफिट के साथ मैं इसे भी वेयर कर सकती थी, बट इट्स ओके। माय नेक्स्ट इयर रिंग जो कि ये है, ये भी मुझे काफ़ी प्रिटी लगता है। इयर रिंग्स ना कॉलेज गोइंग गर्ल्स पार्टी में, फेयरवेल पार्टी में या फ्रेशर पार्टी में पहनेंगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी सा लगता है। एंड ऑल्सो कोई भी पहन सकता है, ऐसा ये नहीं है कि उस टाइप कॉलेज गोइंग गर्ल्स ही पहनेंगी, नहीं। एंड नाउ मूविंग ऑन द माय नेक्स्ट इयर रिंग, ओ नो, जो कि ये है। एंड ऑल्सो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें क्या है ना, ये जो झुमकी इसके है ना, ये मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, इसलिए ना मेरे पास ऑलमोस्ट जो भी ये कलेक्शन देखेंगे ना इस वीडियो में, इसमें इस तरीके की झुमकियाँ आपको ज़रूर मिल जाएंगी। तो ये मुझे काफ़ी पसंद है। एंड ऑल्सो इस तरीके की इयर रिंग्स ना आप हल्दी पर पहन सकते हैं, और इस इयर रिंग के साथ में मैंने हल्दी मेकअप लुक भी क्रिएट किया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एंड मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट इयर रिंग जो कि ये है, इस तरीके से इसमें मोर पंख दिया गया है काफ़ी अच्छे से, आपको दिख रहा होगा। एंड इसमें भी अगेन झुमकी, सारे के सारे में आपको झुमकी इस तरीके के देखने को मिल जाएगी, बिकॉज मुझे सच में बहुत पसंद है झुमकी पहनना। तो इस ऊपर भी, ऊपर का कुछ भी है, नीचे झुमकी आपको मिल ही जाएगा। तो मूविंग ऑन द माय नेक्स्ट इयर रिंग जो कि ये है, ये इयर रिंग ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद लगता है, काफ़ी लाइट वेट भी है एंड काफ़ी अच्छा भी लगता है। कान में पहन लो तो पूरे कान को आपको भर देता है, तो बहुत प्यारा सा ये लगता है मुझे। एंड मूविंग ऑन द माय नेक्स्ट इयर रिंग जो कि ये है, ये इयर रिंग ना काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और काफ़ी अच्छा है। और इस इयर रिंग के साथ ना मैंने कई सारे मेकअप लुक कंप्लीट किए हुए हैं पुराने वीडियोस में, अगर आप देखेंगे ना तो ये इयर रिंग्स अक्सर देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि ना जब मैं यूट्यूब नहीं करती थी तो उस पर ज़्यादा इयर रिंग्स थे नहीं, और जब मैंने यूट्यूब करना शुरू किया तो इयर रिंग्स कम पड़ने लगे थे, तो इसलिए मैं उसको ही पहन लेती थी, क्योंकि मैंने लॉकडाउन के जस्ट एक दिन पहले ही वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब का। ऑन द नेक्स्ट इयर रिंग जो कि ये है, ये काफ़ी प्यारी सी इयर रिंग है, काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी छोटी सी इयर रिंग है। एंड ऑल्सो ना मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी आउटफिट के साथ बड़े आसानी से चला जाएगा, क्योंकि इसमें ना इतने सारे कलर्स दे दिए हैं, तो ये मुझे इसका बहुत बेस्ट पार्ट लगता है। मूविंग ऑन द माय नेक्स्ट इयर रिंग अच्छा जो कि ये है, जब मैं मुंबई में शुरू में रहने के लिए आई थी शादी करके ना, ये इयर रिंग तब की, मुझे मुंबई आए हुए आई थिंक 3.5-4 साल हो गए, तो ये इयर रिंग तब की है, बिल्कुल भी इसकी शाइन नहीं गई हुई है। ऐसा नहीं मैं इसको बहुत संभाल के रखती थी, बिल्कुल भी नहीं। जब मैं यूट्यूब नहीं करती थी तो मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ता था कि कहीं भी, छोटे मोटे फंक्शन पर पड़ता था तो ड्रेस के अकॉर्डिंग हम खरीद लेते थे, ऐसे बहुत संभाल के मैंने नहीं रखा। पर ये काफ़ी रिजनेबल, आई थिंक 100 रुपीज़ की इयर रिंग्स है, और ये काफ़ी अच्छी इयर रिंग है, इसका एक भी स्टोन अभी तक गिरा नहीं है एंड इसका शाइन भी नहीं गया, तो ये काफ़ी अच्छी इयर रिंग है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट इयर रिंग, सारे में आपको झुमकी देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट ये है, ये इयर रिंग ऑल्सो, इसका ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये जो है ना ये नहीं अच्छा लगता, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, बहुत हैवी लगता है। अगर आप पहन लोगे ना तो पूरे टाइम इसको किसी फंक्शन में पहन के नहीं रह पाओगे, इतना इरिटेट करने लगता है कि सोचो कि अब कब आप निकाल दो। तो मैंने आई थिंक इसको एक दो बार वीडियो के लिए पहना, बाकी और कभी ऐसे पूरे दिन के लिए या किसी फंक्शन के लिए तो मैंने नहीं पहना, नहीं पहन पाऊँगे। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट इयर रिंग जो कि मेरा एकदम से फेवरेट वाली इयर रिंग है, जो कि ये है, इसमें ना मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, इसलिए मेरा ये फेवरेट इयर रिंग है। एंड ऑल्सो ये पहनने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ी सी डिज़ाइन चेंज है और कलर चेंज है, बट ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। एंड पर ये मेरा फेवरेट वन है।
ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड इस तरह की इयरिंग्स ना ऐसा लगता है कि किसी भी आउटफिट के साथ बड़ी आसानी से चला जाएगा। आप चाहे तो सूट के साथ भी पहन सकते हो, जींस के साथ भी पहन सकते हो। ये मुझे इस तरीके का इयरिंग काफ़ी पसंद लगता है। सो मूविंग ऑन द माय नेक्स्ट इयरिंग, जो कि ये इयरिंग है, ये भी मुझे काफ़ी पसंद है। और इसकी सबसे अच्छी बात ना, ये सबसे ज़्यादा लाइट वेट है, सब बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। इसको ना पहन के आप कैसे भी रह सकते हो, पता नहीं चलता आपके कान में कुछ है। एंड ऑल्सो इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी प्यारी लगती है। सो मूविंग ऑन द माय नेक्स्ट इयरिंग, जो कि ये है, इसकी भी मुझे अच्छी लगती है, मिला जुला के ये भी अच्छी लगती है इयरिंग्स। नाउ मूविंग ऑन द माय नेक्स्ट इयरिंग्स, जो कि ये है, ये भी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। एंड ऑल्सो ना ये और ये थोड़े से ही अंतर है, पर दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही लाइट वेट है। एंड मूविंग ऑन द माई नेक्स्ट इयरिंग, ये इयरिंग ना मैंने फर्स्ट टाइम अपने यूट्यूब के लिए कोई इयरिंग लिया था ना, तो ये इयरिंग ली थी। अच्छा, जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था ना, जनता कर्फ्यू के जस्ट एक दिन पहले ही शाम के टाइम मैंने वीडियो अपलोड किया था। एंड वीडियो अपलोड करके मैं हॉल में जा रही हूँ, तो पता चलता है कि कल जनता कर्फ्यू है। तो उसके बाद फिर पूरे टाइम तो लॉकडाउन था, तो थोड़ा लॉकडाउन खुल रहा था, तो फिर मैं मार्केट गई थी। मैं सोच के गई थी कि मैं इयरिंग लूँगी, तो वहाँ पे एक ही शॉप इयरिंग का खोला था, वहाँ पे भी ज़्यादा कलेक्शन नहीं था। ये इयरिंग मुझे उसमें से पसंद आया, ये इयरिंग मैं लेकर आई, घर लेकर आई, जब मैं वीडियो शूट करने के लिए बैठी तो ये निकल गया था, फिर इसको ज्वाइन किया, तब से ये मेरा इयरिंग मेरा साथ दे रहा है। एंड ऑल्सो मेरे पुराने वीडियोज़ में ना ये सारी इयरिंग्स आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, कई सारे वीडियोज़ में आपको ये देखने को मिलेंगे, क्योंकि तब इतने सारे कलेक्शन थे नहीं। जो कि ये है ऑल्सो, ये मुझे बहुत पसंद है। अभी तक मैंने इसे किसी वीडियो में पहना नहीं, और ऐसे भी मैंने इसको पहनी नहीं हूँ, पर ये मुझे अच्छा लगता है। सो फ्रेंड, दैट इज़ टुडेज वीडियो। होप सो आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी इयरिंग झुमके के कलेक्शन पसंद आए होंगे, और इयरिंग कलेक्शन झुमके के इयरिंग कलेक्शन पसंद आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे भी इस तरीके के आपको कई सारी इयरिंग कलेक्शन देखने को ज़रूर से मिलेंगे। अच्छा, एक बात और बता दूँ कि इन सारे के लिंक मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, इसमें से एक ही तो मैंने ऑनलाइन लिया हुआ है ड्यूरिंग लॉकडाउन, एंड उसके बाद फिर मेरा सारा का सारा ऑफलाइन है, क्योंकि यहाँ मुंबई में ना आपको काफ़ी अच्छे अच्छे इयरिंग कलेक्शन इयरिंग्स मिल जाते हैं, तो आपको ऑनलाइन जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं लेती, मुझे ऑफलाइन ही काफ़ी अच्छे अच्छे इयरिंग और रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। तो होप सो गाइस आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड अपना बहुत सारा प्यार मुझे दीजिए। मेरी वीडियो को ज़रूर से अपने फ्रेंड्स, फैमिली और ऑल्सो रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।